गणेश चतुर्थी संसदे नतून भवने पथ चला शुरू कर लें सांसदरा। तबे प्रथम दिन ही हई हट्टगोले उत्तप्त रही लोकसभार अधिवेशन। नतून संसद भवन प्रथम भाषण प्रधानमंत्री बक्तव्य महिला संरक्षण बिल पेश नहीं आत्मभिमान प्रकाश पाय। से बिल पेश नहीं तर्जा शुरू है कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहर मध्य। गणेश चतुर्थी मत शुभ दिन शताब्दी प्राचीन संसद भवन ऐड़े नतून भवने पथ चला शुरू कर लें सांसदरा। नतून संसद भवने प्रथम भाषण दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बक्तव्य शुरूते ही तोलें महिला संरक्षण बिल प्रसंग। नतून भवने प्रथम अधिवेशने ए महिला संरक्षण बिलर नाम दें नारी शक्ति वंदना। महिला संरक्षण बिल प्रथमवार संसदे पेश करा 12 सेप्टेम्बर 1996। एरपर बेश कयेक बार पेश होलेओ पाश करानो जायनी संख्यार जन्य। ईश्वर बोधहय सेई काजेर जन्य आमाकेई बेछे नियेछेन। नतून संसद भवने तार प्रथम भाषणे एई मंतब्य करेन प्रधानमंत्री। पाशापाशि एई बिलके आईने परिणत करते तार सरकार संकल्पबद्ध बोलेओ जानान तिनि। अटलजी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एरपर कथा बोलते उठें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। महिला संरक्षण बिल प्रसंगे प्रधानमंत्री वक्तव्य पाल्टा हिसाब से राजीव गांधी आमले तथ्य तुले धरें सांसद अधीर रंजन चौधरी। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। किंतु एनी अधीर कथा बला शुरू करते ही नया संसद भवन प्रथम दिन ही उत्तेजनार पारद चढ़े तुंगे। गेरुआ शिविर सांसदरा अधीरेर वक्तव्य बार बार विघ्न घटाते थाकें। केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह बोलते थाकें अधीर असत्य तथ्य बोलछेन। तिनि जा बोलछेन तार प्रमाण ताके संसदेर टेबिले राखते हबे। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। अमित शाह अधीर चौधरी मध्य बाग वितंडार जेरे उत्तप्त हो उठे लोकसभा। অন্যদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিল্লা সবকিছু সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে বলেন এই বিলের প্রস্তাব পেশের জন্য। অর্জুন জি আপ কন্টিনিউস কিজিয়ে। ঠিক অধ্যক্ষ জি ইনকো শান্ত করাইয়ে। আপ তো কন্টিনিউস কিজিয়ে। অধ্যক্ষ জি ইতনা মহত্বপূর্ণ বিল হে। মহিলা সশক্তিকরণ সে সম্বন্ধিত মহত্বপূর্ণ অধিরঞ্জন জি শুনিয়ে 2 মিনিট শুনিয়ে। রায় কেবল কাল বিল পর বিল ডিবেট হোগি জব আপনি বিচার রাখ করনা অর্জুন জি মেঘওয়াল। হাতে সংবিধান নিয়ে তখন যুযুধান দুই পক্ষই। আইনমন্ত্রী প্রস্তাব পেশ শুরু করতেই ফের বিরোধিতা জানাতে থাকেন বিরোধীরা। তারা বলতে থাকেন এতদিন যে কোনো বিল পেশ হলে তার কাগজ হাতে দেওয়া হতো প্রত্যেক সাংসদকে, কিন্তু এবার তা কেন দেওয়া হয়নি। এর উত্তরে পাল্টা বিরোধী দলের সাংসদ সহ স্পিকার ওম বিড়লা জানান সবটাই ফোনে অনলাইন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, সেখানে দেখে নিন। टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले बिल अपलोड कर दिया है। এই নিয়ে লোকসভায় হই হট্টগোল জারি থাকে। এরপর কংগ্রেস সাংসদ অধীরকে চুপ করতে বলে বিলটি পাশের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে থাকেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। সংবিধান পড়ে শোনানোর পাশাপাশি তিনি বলেন এই বিল পাশ হলে লোকসভায় মহিলা সাংসদদের সংখ্যা হবে 181। এই সংরক্ষণ 15 বছর পর্যন্ত থাকবে, তারপর আবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी, उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का।
अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? অধীরের মন্তব্যের পাল্টা কটাক্ষ করে তিনি আরো বলেন, মার্চ 2010 এই বিল রাজ্যসভায় পেশ হয়, যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। কিন্তু সেই বিল লোকসভায় আর নিয়ে আসা হয়নি, ফলে ওই সময়ই এই বিল ল্যাপস করে যায়। আর ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती है। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया। লোকসভায় বর্তমান আসন সংরক্ষণ। লোকসভায় মোট আসনের মধ্যে তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন হলো 15% বা 84টি, এবং তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা 8% বা 47টি। লোকসভায় এই মুহূর্তে মোট মহিলা সাংসদের সংখ্যা 82 জন, যার মধ্যে সদস্য মাত্র 14.36%। সব মিলিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে নয়া সংসদ ভবনে প্রথম অধিবেশন উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। এদিন লোকসভায় বিলটি পেশ করা হয়, তবে বৃহস্পতিবার এই বিলটি রাজ্যসভাতেও পেশ করানো হবে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে এই বিল পাশ করাতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রের সাংসদরা, তবে এই বিল ঘিরে তর্জাও তুঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।